Hello students, I am Professor Radha Rashmi Tiwari. I am here to code a program in C++ for you. So let's start with the question. Write a program in C++ to find area of rectangle and triangle using function overriding. हमें इस प्रोग्राम में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन ओवरराइडिंग. मतलब हमें फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है. अगर आपको हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर याद हो तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था किसके बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में. दैट वॉज वन थिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स. उस लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल्स लिए थे हमने, एग्जांपल्स के बारे में बात करी थी. फिर उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में बात किया था, दैट वाज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दैट आर आल्सो नोन एज स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म. सिमिलरली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो नोन एज डायनेमिक और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. सो और फिर उसके बाद कंपाइल टाइम में हमने उसके एक एग्जांपल के बारे में बात किया था, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग. और उसके कॉन्सेप्ट पे इम्प्लीमेंट करके हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जो कि हमारा प्रोग्राम था जिसमें हम सम करवा रहे थे. दो फंक्शन हमने बनाए थे सेम नेम से, सम नाम का फंक्शन बनाए थे दो, जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंटली पास करे थे. सो दैट वॉज अवर लास्ट लेक्चर अबाउट, एंड उस लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इतना कुछ डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शन ओवरराइडिंग, एंड फंक्शन ओवरराइडिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. दैट मीन्स इन फंक्शन ओवरराइडिंग वी आर एलोकेटिंग मेमोरी टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास एट रन टाइम, राइट. तो हम फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में अगर बात करें तो फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है ऊप्स का, जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है. पॉलीमॉर्फिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऊप्स. सो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दैट दिस फीचर अलाउ अस टू हैव सेम फंक्शन इन आर चाइल्ड क्लास विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर पेरेंट क्लास. दैट मीन्स कि हमारे जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है उस फीचर के अंदर हम हमारी जो डिराइव्ड क्लास होती है, जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, उसके अंदर हम एक फंक्शन सेम क्लास का फंक्शन हमारे पास बना सकते हैं, मतलब होता है. और वो सेम फंक्शन किस में होता है, हमारा पेरेंट क्लास के अंदर. इसको समझने के लिए मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक हमारी बेस क्लास थी, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का. नाउ ये जो फंक्शन है ऐड नाम का, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ऐड करने की किसी भी चीज को. इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंटीजर्स फ्लोट और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉनकैटिनेशन. बस उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो ऐड करता है बेस क्लास के अंदर. और उस ऐड फंक्शन के अंदर हमने लिखा है कि दैट फंक्शन, उसकी जो डेफिनेशन है ऐड फंक्शन की, जो बेस क्लास के अंदर लिखी है, मैं यहां पे ले लेती हूं क्लास बेस. इसके अंदर मैंने बनाई अपनी एक फंक्शन ऐड नाम का, जिसकी कोई भी डेफिनेशन है, राइट. ये हमने बना दिया. और मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है इसके अंदर भी मैंने एक फंक्शन, क्योंकि डिराइव्ड क्लास जो है हमारी वो इनहेरिट हुई है, वो डिराइव्ड है बेस क्लास से, वो चाइल्ड है बेस क्लास की, इसीलिए वो उसके पास क्या एक्सेस है, दैट दिस डिराइव्ड क्लास कैन यूज फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स ऑफ इट्स बेस क्लास, राइट. तो इसीलिए वो ऐड जो हमने फंक्शन बनाया है उसको भी उसका जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो कॉल कर सकता है, यूज कर सकता है, राइट. तो हमने
यहाँ पे इसके अंदर ब्राइट क्लास के अंदर हम अब एक और फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम सेम नाम दे रहे हैं जो हमारी बेस क्लास के अंदर नाम है एड। और यहां पे हम एक इस फंक्शन की नई बॉडी बना रहे हैं, सी हमने एड फंक्शन बेस क्लास में भी बनाया है, ड्राइव क्लास में बनाया है। ड्राइव क्लास ने सेम एड फंक्शन की फंक्शनैलिटी को स्लाइटली चेंज कर लिया। इसको हम एक तरीके से ऐसे बात कर सकते हैं कि व्हेन अ बेस क्लास व्हेन अ ड्राइव क्लास इनहेरिट्स द डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास, बट व्हेन यू वांट टू ओवरराइड अ फंक्शनैलिटी इन द चाइल्ड क्लास देन यू कैन यूज फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब ये कि हमने सेम नाम से दो फंक्शन बनाए हैं, एक हमारा यहाँ पर है एड नाम का बेस क्लास के अंदर, एक और है हमारा एड नाम का ड्राइव क्लास के अंदर। हमने सिंपली जो हमारा बेस क्लास के अंदर एड था फंक्शन, उसकी हमने फंक्शनैलिटी, या फिर वो एक तरीके से हम समझ लें इसको हम ओल्ड वर्जन ऑफ फंक्शन, और हमने इसको चेंज करके, हमने इसकी फंक्शनैलिटी चेंज करके, हमने इसको रीडिफाइन कर दिया हमारे ड्राइव क्लास के अंदर। सो दिस इज फंक्शन ओवर राइडिंग, हमने फंक्शन ओवर राइड करा है, राइट। अब इसमें क्या है कि जो हमारा बेस क्लास के अंदर फंक्शन होता है, जो हमारा ये वाला एड है, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ओवर रिडन फंक्शन। और जो हमारा ड्राइव क्लास के अंदर हम जो फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग फंक्शन। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवर राइडिंग, और इस तरीके से हम फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, बिकॉज फंक्शन ओवरलोडिंग में भी वी आर यूजिंग द सेम नेम फॉर द फंक्शन, बस हम लोग आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट नंबर की पास कर रहे हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं। तो जब हमारा एक क्लास के अंदर, जब हमारा एक क्लास के अंदर हम दो फंक्शंस के साथ, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग रखते हैं, आपको अगर याद हो तो फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइम मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेम डेटा टाइप्स, सेम हम फंक्शन अगर नाम से बनाएंगे तो दैट इज नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग, दैट विल क्रिएट एन एरर फॉर यू। बट हम जो फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे थे, वी वर परफॉर्मिंग इन सेम क्लास, बट वेन वी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हम हमारा जो फंक्शन है उसको रीडिफाइन करते हैं हमारे इनहेरिटेड क्लास के अंदर, और उसकी फंक्शनैलिटी और उसको उसकी डेफिनेशन चेंज कर देते हैं हमारे ड्राइव्ड क्लास की आवश्यकता अनुसार, हम उसकी नीड के अनुसार हम चेंज कर देते हैं फंक्शनैलिटी, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग। आई थिंक आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हम हमारे जो हमारा प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करते हुए हम ये जानेंगे कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म कैसे करते हैं, और हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, जब दोनों ही फंक्शन का नाम सेम है तो फिर कौन सा कॉल हो रहा है ये भी हम जानेंगे, और हम कैसे बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं वाइल हैविंग सेम नेम। नॉर्मली अगर ड्राइव क्लास जो हमारी है वो उसने इनहेरिट करी है प्रॉपर्टीज बेस क्लास की, तो दैट मीन्स वो उसके फंक्शंस भी कॉल कर सकता है उसका ऑब्जेक्ट नॉर्मली, बट जब सेम नाम है तो वो किस फंक्शन को कॉल करेगा। और सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन है, हम उसी को कॉल करें, वी डोंट वॉन्ट टू कॉल द बेस फंक्शन, बिकॉज हमने अगर ड्राइव क्लास में उस फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करा है, दैट मीन्स वी वॉन्ट टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट वी वॉन्ट टू कॉल द ड्राइव क्लास फंक्शन, राइट।
So let's come to our program. Write a program in C++ to find area of rectangle and triangle using function overriding. So iske liye main ek class banaungi rectangle naam ki. इसके अंदर मैं दो डेटा मेंबर्स बनाऊंगी फॉर लेंथ आई एम यूजिंग एल एंड फॉर ब्रेथ आई एम यूजिंग बी और एक फंक्शन बनाऊंगी एरिया नाम का जिसका काम क्या है हमारे रेक्टेंगल का एरिया निकालना एंड सिंपली आई विल राइट फर्स्ट आई विल राइट सी आउट एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सी इन लेंथ then see out for enter the breadth of rectangle seen D then see out for a result area of rectangle and this we are here calculating our area of rectangle also and n. So this is our function area of our class rectangle. Now we are going to create a new class named triangle जिसके अंदर हम triangle को area calculate करने के लिए we need one parameter is height and another one is breadth, right? तो ये हमने दो variables बना दिए then we have created a function name void area और इसका काम क्या है इसका काम है हमारे height और breadth की input लेना enter the height of triangle see in h then see out enter the breadth of triangle see in b and the see out for our final output area of triangle half into height into breadth right so this is our class triangle जिसमें हमारा function area complete हो गया अगर इस सिनेरियो में मैं सिंपली यहां पे मेन फंक्शन बनाकर और मेन फंक्शन बनाना स्टार्ट करूं तो
जब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगी तो अगर मुझे ट्राइंगल के थ्रू हमारा जो रेक्टेंगल वाला एरिया है और जो हमारा ट्राइंगल वाला एरिया है, दोनों ही हमने जो बनाए हैं उनका नाम तो सेम है, लेकिन जो उनकी फंक्शनैलिटी है, जो उसके अंदर की डेफिनेशन है, दैट इज डिफरेंट. और अभी फिलहाल में ट्राइंगल इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम रेक्टेंगल, तो दोनों ही अलग क्लासेस हैं और दोनों ही अलग क्लासेस की हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर मेन में हम उनको कॉल कर सकते हैं. बट जब हम इनहेरिटेंस के सिनेरियो की बात करें, क्योंकि हम बार बार एरिया को स्पेस नहीं देना चाहते, हम सेम फंक्शन के स्पेस के साथ हम काम करना चाहते हैं, मेमोरी के साथ. सो मैंने यहां पर करा सिंपली, मैंने ट्राइंगल को इनहेरिटेड करा दिया किससे, रेक्टेंगल से. जब हमारी ट्राइंगल जो क्लास है वो रेक्टेंगल से इनहेरिटेड हुई है, तब इस सिनेरियो में जो हमारा एरिया फंक्शन है जो हमने ट्राइंगल में रीडिफाइन किया, दैट इज ओवरराइडिंग फंक्शन. और जो हमारा ये वाला फंक्शन है जो रेक्टेंगल में बना है, दैट इज ओवर रिटन फंक्शन. और जो हमारा ट्राइंगल क्लास के अंदर फंक्शन है, दैट इज ओवर राइडिंग फंक्शन. अब हम यहां पे जब कॉल करेंगे, जब हम यहां पर फंक्शन हमारा जो सबसे पहले हमें फंक्शन कॉल करने के लिए वी नीड टू मेक आर ऑब्जेक्ट. अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया ट्राइंगल का, ट्राइंगल क्लास का, दैट मींस हमारी जो चाइल्ड क्लास है, ड्राइव क्लास है, उसका बनाया हमने ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट टी. फिर उसके बाद मैंने उस टी के थ्रू कॉल कर दिया एरिया फंक्शन. एरिया फंक्शन मैंने यहां पर कॉल कर दिया है. तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा फंक्शन यहां पे कॉल होगा, वेदर इट्स, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल क्लास है वो हमारी सारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकता है, बिकॉज इनहेरिट हुआ है उसी क्लास से वो. तो वो रेक्टेंगल वाले एरिया को कॉल करेगा कि ट्राइंगल वाले एरिया को कॉल करेगा. इस सिनेरियो में ये वर्किंग कैसे चलती है कि हमारे जो कंपाइलर विल डिसाइड कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है. और वो चलता कैसे चलेगा कि वो पहले जाएगा हमारे ट्राइंगल, क्योंकि बिकॉज इट्स ए ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राइंगल क्लास, तो वो ट्राइंगल क्लास के अंदर जाएगा. फिर उसके बाद वो यहाँ पे सर्च करेगा कि ट्राइंगल क्लास में एरिया फंक्शन है कि नहीं है. अगर उसको जैसे कि है यहाँ पर, उसको जैसे ही एरिया फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, सो ही विल बाइंड दैट एरिया फंक्शन. और फिर हमारे एरिया फंक्शन की जो आंसर है, आउटपुट है, वो हमको हमारे एज आउटपुट शो कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया फंक्शन यहाँ पर नहीं मिलता तो वो जाता हमारी बेस क्लास, वो क्या है, रेक्टेंगल के क्लास, और वहां पे जाकर वो इस एरिया फंक्शन को फिर डिस्प्ले करवाता. बट हमने ये एरिया फंक्शन जो हमारे ट्राइंगल के अंदर हमने रीडिफाइन करा, ओवरराइड करा है, हमने ओवरराइडिंग फंक्शन जो बनाया है वो बनाया ही इसीलिए बिकॉज वी आर गोइंग टू रीयूज द फंक्शन ऑफ अवर बेस क्लास रेक्टेंगल टू रीडिफाइन द एरिया फंक्शन, एंड इन दैट वी आर परफॉर्मिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट, अब मैं इसको कंपाइल करूंगी. वी हैव एरर्स, दैट इज ऑपरेटर, वी हैव यूज्ड रॉन्ग ऑपरेटर. ट्राइंगल जीरो एरर्स, एंड अगेन हमने रन करा. सी, हाइट ऑफ ट्राइंगल लिखा आ रहा है, दैट मींस हमारा ट्राइंगल वाला जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है, वो एरिया फंक्शन हमारा चला है. तो आई एम राइटिंग 2 एंड द ब्रेथ इज 3, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3. अब अगर मैं आपको जो कह रही थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फिर उसके बाद अगर उसको यहाँ पे नहीं मिलता है तो बेस फंक्शन के पास जाएगा.
अगर मैं यहाँ पर इसे, अगर इसे ये एरिया फंक्शन यहां नहीं मिलता है राइट, तो वेयर इट विल गो, इट विल गो टू इट्स बेस क्लास. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल जो है हमारी क्लास वो इनहेरिट हुई है रेक्टेंगल बेस क्लास से ही इनहेरिट हुई है, तो फिर उसने वो वाला एरिया फंक्शन परफॉर्म करा. बट सबसे पहले वो कहां ढूंढा? उसने ढूंढा अपनी खुद की क्लास के, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑफ ट्राइंगल क्लास राइट. इसमें भी हम रन करके देख लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ अगर मैं चाहूं कि जो हमारा अभी अगर मैं यहाँ पे इस कमेंट को हटा देती हूँ और मैं ये वाला फंक्शन रन करने देती हूँ, दैट मीन्स इसके अंदर हमारा हमेशा ओवरराइडिंग फंक्शन ही कॉल होगा थ्रू अवर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. लेकिन इफ आई वॉन्ट टू कॉल आर बेस क्लास फंक्शन ऑल्सो, मैं चाहती हूँ कि बेस क्लास फंक्शन भी चले और साथ में हमारा जो ड्राइव क्लास है उसका भी फंक्शन ट्राइंगल चले, तो उसके लिए आई विल सिंपली कॉल बेस क्लास फंक्शन इन दिस फंक्शन ओनली. एंड आपको उसका सिंटेक्स पता है, बेस क्लास नेम एंड देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम. नाउ अब आप देखिए, जीरो एरर्स, ट्राइंगल का डालेंगे हम, 2, 3 हमने डाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 3. फिर आ गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा चल गया बेस क्लास का फंक्शन, इसमें हमने हमारे इनपुट्स डाले लेंथ और ब्रेथ के लिए और आंसर आ गया हमारा रेक्टेंगल का, तो हमारे दोनों ही फंक्शंस रन कर गए. इस तरीके से हम फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं हमारे C++ प्रोग्रामिंग के अंदर राइट. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डिस्कस अबाउट दी वर्चुअल फंक्शंस, हम वर्चुअल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और वर्चुअल फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फंक्शन ओवरराइडिंग. उसके थ्रू ही हम उसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं. सो विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. फॉर टूडे, फॉर दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल यूजिंग फंक्शन ओवरराइडिंग, इन विच we have created two classes. First one is rectangle, second one is triangle, that is derived from the rectangle class. And in both of the classes we have, first in the rectangle class we have created a function, we have defined a function area, and in triangle classes we have redefined it, that particular function area of rectangle class, and then we have called this function in our main function using the object of triangle class. So this was our complete program. Thank you very much.